यार तुझे पता है मेरा फोन चोरी हो गया। तू यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? फोन का बॉक्स भाई, पुलिस वाले को IMEI नंबर भी तो दिखाना है। अरे फोन पे फोन तो किया था क्या? किया था, स्विच ऑफ आ रहा है। यही सेम चीज आपके साथ भी हो सकती है अगर आप एप्पल और सैमसंग के अलावा कोई फोन है वो यूज करते हो तो उसके लिए मैं आपको एक ऐप बताने वाला हूँ। वो ऐप आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोन के अंदर वो है इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। तो ये अपने फोन के अंदर वो इंस्टॉल हो रही है, उस फोन के अंदर करनी है। जैसे आपका कोई भी फोन है, जैसे मैंने अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर ली जिस फोन का गुम रहने का, तो ये सिंपली आपको बताता है कुछ ऑप्शन। तो सिंपली आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट भी क्लिक कर देना है और जितनी भी परमिशन है उन सबको क्या करना है आपको सिंपली अलाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पे सारी परमिशनों को वो अलाउ कर देता हूँ। नंबर है वो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक नंबर डाल देना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एक नाम डाल दिया, जो भी आप नाम डालना चाहो वो नाम डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जिस नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वो भेजनी है। और सिंपली आपको क्या करना है, सबमिट करना है फेक शट डाउन का ऑप्शन। तो उस पर आपको ये देखिए फेक शट डाउन, इसको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। और ऑटो स्टार्ट है वो क्लिक कर देना है। तो ये सारा सब कुछ है वो अलाउ हो जाने के बाद में आप सिंपली क्या करोगे, जिस आपका फोन है वो गुम हो गया तो चोर है वो क्या करेगा, सिंपली अपना फोन है वो क्या करेगा, शट डाउन करेगा, यानी अपना फोन है वो स्विच ऑफ करेगा जिसको भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये शट डाउन पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये सिंपली फोन है वो शट डाउन हो गया, पर रियल में ये फोन है वो शट डाउन नहीं हुआ है, ठीक है। अब जो नंबर डाले हैं उन नंबरों पर OTP और मैसेज जाएगा और जो चोर जिसने चोरी की है उसकी फोटो भी है वो चली जाएगी। तो ये देखिए जो नंबर आपका दिया होता है उस नंबर पे सारी यहाँ पे लोकेशन आ जाती है और इमरजेंसी मोड में भी आ जाता है, यहाँ पे उस बंदे की पिक्चर आ जाती है जिसने आपका फोन है वो ले रखा है। तो सिंपली आपको इस स्टोरेज पे आप जाओगे तो ये देखिए ये जो फोन जहाँ पे पड़ा था उसकी फोटो वो क्लिक हो गई। इस तरीके से आपके पास और भी रिकॉर्डिंग वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, तो यहाँ से आप लोकेशन है वो ट्रेस कर सकते हो। तो ये ऑडियो भी नीचे है वो मैसेज में आ जाता है, इस ऑडियो के अंदर रिकॉर्डिंग रहती है जहाँ पे वो बंदे बोलते हैं, जिसके पास मतलब फोन है आसपास में जो भी बोलेगा उसकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने फोन को चोरी होने से बचा सकते हो। और हाँ, एक चीज और बचा सकते हो, वो नीचे टेक बटन का सब्सक्राइब, और ऐसा करने के बाद में आप एक बिल्कुल फ्री हो जाओ इस तरह।